हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. एज प्रॉमिस्ड, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पोर्ट्स की जो भी कुछ अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ आई हैं, जो भी अखबारों में खबरें आई हैं या जो भी अलग अलग वेबसाइट्स पर खबरें हैं, जो कल के दिन के डेवलपमेंट्स हुए हैं, आज जो कुछ डेवलपमेंट्स होंगे उनके पूरे बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा. जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते बिना किसी देरी के. सबसे पहली खबर जो है वो आई है आईसीसी की तरफ से, और आईसीसी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई है? वो इसलिए क्योंकि जो सीईओ हैं उन्होंने बोला है कि जो आईसीसी का जो वर्किंग है, जो भी डिसीजन मेकिंग इनकी है, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है. उसको देखने के लिए ये आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है. उसके बाद दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है इंडिया और इंग्लैंड सीरीज़ जो है उससे जुड़ी हुई. अब क्योंकि इंग्लैंड में खेलने के लिए आपको पहले से एक्लमटाइज होना पड़ता है, वहाँ की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहती है गेंदबाजों के लिए भी और बल्लेबाजों के लिए भी. गेंदबाजों के लिए मदद रहती है लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है ये देखने वाली चीज़ रहती है. और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रविचंद्रन अश्विन जो वहाँ की काउंटी टीम है उसके साथ खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, सरे टीम के साथ में वो खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं काउंटी क्रिकेट में टेस्ट सीरीज शुरू होने के पहले, ताकि उनको अंदाज़ा लग जाए कंडीशंस का और थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस भी उनको मिल जाए. तो एक ये अच्छा डिसीजन अश्विन की तरफ से. उसके बाद तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है इस सीरीज से जुड़ी हुई खबर, और वो खबर है शुभमन गिल से जुड़ी हुई. और बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है शुभमन गिल के ऊपर, और उन्होंने शुभमन गिल से कहा है कि वो भारत वापस आ जाएं. अब आपको पता है कि उनको काफ इंजरी हुई है जो कि अब थोड़ी सी सीरियस हो चुकी है. उसको देखते हुए उनको रिकवरी का जो टाइम रहेगा वो भी 3 महीने का रहेगा. तो बीसीसीआई नहीं चाह रही किसी भी वजह से इस चीज़ में देरी हो और उनकी रिकवरी जल्दी शुरू की जाए. इस वजह से इंग्लैंड से शुभमन गिल को वापस भारत बुलाया जा रहा है. उसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो भी इस सीरीज़ से जुड़ी खबर है. अब क्योंकि शुभमन गिल इंजर्ड हैं तो इस वजह से खबरें आ रही थी कि उनका रिप्लेसमेंट एक लेकर के आया जाए, और शायद वो पृथ्वी शॉ हो सकते हैं या फिर देवदत्त पडिकल हो सकते हैं. और टीम मैनेजमेंट की तरफ से विराट कोहली रवि शास्त्री की तरफ से ये रिक्वायरमेंट पेश करी गई थी बोर्ड के सामने, लेकिन इस बात को पूरी तरह से नकार दिया गया है. शुभमन गिल का रिप्लेसमेंट फिलहाल अभी कोई भी नहीं रहेगा. वहाँ पर जो प्लेयर मौजूद हैं, मयंक अग्रवाल हो गए, अभिमन्यु ईश्वरन हो गए, उनमें से ही कोई ओपन करता हुआ आपको दिखाई देगा शुभमन गिल की जगह रोहित शर्मा के साथ में. तो एक ये बड़ा डेवलपमेंट था. उसके बाद अब बात करते हैं हम श्रीलंका और इंडिया के बीच जो सीरीज़ होनी है उससे जुड़ी हुई. तो अभी तक मैं आपको ओवरऑल 4 खबरें बता चुका हूँ. जो 5वीं खबर है वो है श्रीलंकन क्रिकेटर्स से जुड़ी हुई. अब जो कंट्रोवर्सी चल रही थी पिछले काफ़ी दिनों से कि कॉन्ट्रैक्ट जो है श्रीलंका बोर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है प्लेयर्स को, उस पर प्लेयर्स साइन नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्लेयर और ज़्यादा चाह रहे हैं. लेकिन अब फाइनली वो कॉन्ट्रोवर्सी ख़त्म हो गई है. 30 में से 29 खिलाड़ियों ने साइन कर दिया है इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर. और तो इस तरह से अब जो भी कुछ कयास लगाए जा रहे थे कि इस सीरीज़ को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्लेयर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर खेलना भी मुश्किल हो सकता है प्लेयर्स के लिए. लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर चुके हैं. उसके बाद अगली खबर जो है हमारी एंजेलो मैथ्यूज़ से जुड़ी हुई खबर है. एंजेलो मैथ्यूज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे थे कि वो रिटायरमेंट अपना ले सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को वो अलविदा बोल सकते हैं. लेकिन अभी उन्होंने फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं करा है. लेकिन इंडिया के खिलाफ जो सीरीज़ होने वाली है श्रीलंका की, इस सीरीज़ से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, और इसके पीछे उन्होंने कुछ पर्सनल रीजंस अपने दिए हैं और उनके कारण वो इस सीरीज़ में नहीं खेल पाएंगे. तो एक ये बड़ी खबर थी. एंजेलो मैथ्यूज़ एक सीनियर प्लेयर, और भारत के सामने जब वो टीम में नहीं खेलेंगे तो फिर देखना ये रहेगा कि टीम किस तरह से प्रदर्शन अपना करती है श्रीलंका की. अब उसके बाद अगली खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वो है दिनेश कार्तिक से जुड़ी हुई खबर. अब दिनेश कार्तिक जब से कमेंट्री में आए हैं लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ हुई है, यानी कि अगर आप कहेंगे तो ओवरऑल उनका नाम लगातार सामने आ रहा है कंट्रोवर्सी पर. उन कॉन्ट्रोवर्सी कहें आप या फिर उनकी कॉमेंट्री को लेकर के उनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है. तो एक उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने बोला है कि भारत में जो सोच है वो ये है कि एक क्रिकेटर तभी कॉमेंट्री कर सकता है जब वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ले. वो इस सोच को बदलना चाह रहे हैं, और क्योंकि वो कॉमेंट्री में अब आए हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं खेलेंगे, वो आगे खेलेंगे. और कॉमेंट्री और क्रिकेट, जो प्रोफेशनल क्रिकेट है, वो साथ साथ चल सकता है, दिनेश कार्तिक का ऐसा कहना है. और जो ये स्टीरियोटिपिकल जो एक सोच है उसको बदला जाएगा
उसको बदलने के लिए वो पहले इंसान रहेंगे भारत में, ऐसा उनका कहना है। तो एक खबर ये थी। उसके बाद अब थोड़ा सा हम आते हैं नॉन क्रिकेट फील्ड की तरफ, और नॉन क्रिकेट फील्ड से जो एक खबर है, एक खबर और ले लेते हैं क्रिकेट फील्ड से, बाबर आजम से जुड़ी हुई खबर है। बाबर आजम ने एक स्टेटमेंट दिया, आपको पता है कुछ समय पहले इंग्लैंड के प्लेयर्स कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, और जिसके कारण इंग्लैंड को पूरी एक अपनी नई टीम घोषित करनी पड़ी, और पाकिस्तान की टीम के साथ में अब उनकी सीरीज़ होगी। तो इस सीरीज़ को लेकर के बाबर आजम ने बोला है, जब वहाँ पर पॉजिटिव केसेज आए थे तो उनके मन में एक बार भी, पाकिस्तान के मन में एक बार भी ये क्वेश्चन नहीं आया था कि इस सीरीज़ को रद्द कर देना चाहिए, हमें अपने देश वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोविड केसेस आए हैं। तो एक ही बाबर आजम की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट था। अब आखिरी की दो खबरें नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से हैं, वो उसको ले लेते हैं। नोवाक जोकोविच पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में विंबलडन के, टॉप फोर में उन्होंने एंट्री अपनी ली है और ज़बरदस्त प्रदर्शन वो लगातार करते हुए आ रहे हैं। फ्रेंच ओपन में भी इससे पहले उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद में जो रॉजर फेडर के फैंस हैं उनके लिए थोड़ी सी निराशा भरी बात है, क्योंकि रॉजर फेडर की जो एज है, जिस एज पर वो खेल रहे हैं, और उसके बाद इस टूर्नामेंट से जाने पर विंबलडन में उनको हार मिली है, क्वार्टर फाइनल ये राउंड था जिसमें वो हारे हैं, तो लोग अब ऐसे कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि ये रॉजर फेडरर का आखिरी विंबलडन मैच हो जिसको उन्होंने देखा और जिसमें रॉजर फेडरर खेले। तो एक ये खबर थी, तो ये विंबलडन से जुड़ी खबर थी। उसके बाद अब आ जाते हैं यूरो कप की तरफ। तो इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच में मैच हुआ था, इस मैच को डेनमार्क इंग्लैंड ने जीता है, डेनमार्क को हराया है 2-1 से। इस मैच को इंग्लैंड ने अपने नाम किया और इसके साथ में ही उन्होंने फाइनल में एंट्री ले ली है। तो इस तरह से अभी तक की जो भी कुछ तमाम खबरें थी, जो न्यूज़ थी लेटेस्ट, वो सारी मैंने आपको आकर के बताई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर कर सकते हैं, और इस तरह से हर रोज़ मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।